हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज प्रयागराज की इस पुण्य धरती पर, संगम के तट पर, मैं अपने कुछ प्रयागराज के टीजीटी और पीजीटी के बच्चों के साथ आपके साथ यहाँ कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बातें करने जा रहा हूँ। और बड़े सौभाग्य की बात तो मुझे मेरी ये है कि मैं पहली बार प्रयागराज आया। पहला तो सौभाग्य मेरा ये है, और शायद इस प्रयागराज में बुलाने का काम हमारे इन बच्चों ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर किया है, उसमें इन्वॉल्व जरूर रहे हैं। और बच्चों, आप जानते हैं ना कि मैं हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में, यानी तो 50 से 60% वीडियोज़ हमारे जो बने उसमें नाम एक बच्चे का जरूर आता रहा है। उसका नाम है सपना तिवारी, जो प्रयागराज से हैं और वो ये हैं। और अगर मैं कुछ आपके लिए कर पा रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी बच्चों के कर पा रहा हूँ, जैसा वो कहते हैं सर आप बड़ा योगदान दे रहे हैं हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए आप इसी सोच रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सपना तिवारी का हाथ है। क्योंकि पहले लॉकडाउन में जो उन्हें पढ़ाना शुरू किया है, तो उसमें फर्स्ट एडमिशन पहले 3 बच्चे, जिनका नाम मैं बार बार लेता हूँ, सपना तिवारी, नेहा शर्मा और कुमार का, तो उनमें से सपना तिवारी भी हैं, है ना। और इस तरह से सफ़र शुरू हुआ और पहला सत्र ख़त्म हुआ। और पहले सत्र में भी मुझे, मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ, लगभग 100 बच्चे थे अपने पास, है ना, और उसमें 6 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो एक बड़ी मेरे लिए उपलब्धि रही है। मैंने जब नीट का बैच पहला लिया था 97 में, तो मेरे पास 13 बच्चे थे और 4 बच्चे MBBS में सेलेक्ट हुए थे CPMT में। और बस वहाँ से मेरा जो है, उससे पहले मैं एकेडमी पढ़ाता था, इंटरमीडिएट BSc MSc, वहीं से मैंने फिर रास्ता बदल दिया। और मेरी माता जी कहती थी, अरे भाई जो डॉक्टर बन जाते हैं वो पढ़ाते हैं तो ठीक है, तो ये बात कहा करती थी, तुम क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा आपका आशीर्वाद है तो हो जाएगा। आज ईश्वर की दया से हजारों की संख्या में डॉक्टर हैं, हर शहर में डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, और अब मुझे लगता है हर शहर में, हर प्रदेश के हर शहर में हमारे शिक्षक भी होंगे, ये मुझे विश्वास है। ऐसा मैं सोच कर भी चल रहा हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है सपना, ये अब बंद होने वाला बिल्कुल भी नहीं, ना मैं बंद करूँगा, क्योंकि ये मेरा वो टाइम है जब मैं आराम करता हूँ। 9:30 बजे बताओ, मैं सोचता हूँ चलो चल रहा है, और सच बताऊँ इस क्लास को पढ़ाई बिना मन भी नहीं लगता है ना। कई बार ये लोग बच्चे देखते हैं कि नहीं सर थके हुए, पापा आज रहने दो, नहीं नहीं चलो आधे घंटे, सही आधे घंटे, कभी 1 घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं लगता है, हो जाता है, चला जाता है। तो सपना बताओ भाई, क्या अनुभव रहा आपका इस ज्ञानेश वाली क्लासेस में जुड़ने का और हमसे आज मिलने का भी अनुभव, दोनों ही चीज़ें तो बोलो भाई। प्रणाम सर, और आपके सानिध्य में आके और इस जगह आप साक्षात आपके दर्शन हुए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। सर आपका मार्गदर्शन हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। और सर जब से हम ज्ञानीज बायोलॉजी क्लासेस में जुड़े हैं, एक नया उत्साह, नई उमंग, नया जोश रहता है कि, और एक इंतज़ार रहता है कि कब 9:30 बजेगा। सबसे बड़ी बात तो ये सर का टाइम हो गया, यूट्यूब में आया कि नहीं, लिंक नहीं आया, तो बार बार परेशान होते हैं कि सर को कहें कि सर अभी तक लिंक नहीं आया। और जैसे ही लिंक आता है सर जुड़ते हैं। हाँ सर, कुछ पारिवारिक समस्याएं अगर आ जाती तो शायद नहीं देख पाते, वो बाद में हम लोग देखते हैं, लेकिन सर देखते सारे स्टूडेंट हैं सर। और जब से सर आपसे जुड़े हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है, जो चीज़ें नहीं भी समझ में आती थी वो धीरे धीरे करके सर आने लगी। और सर आपका एक सरल स्वभाव, सरल तरीके से चीज़ों को समझाना, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। और शिक्षक स्टूडेंट का सबसे बड़ा चीज़ होता है, या सबसे बड़ा एक होता है कि 2-वे कम्युनिकेशन। सर आप हमें समझाते हैं और हम समझते हैं, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी छोटी चीज़ें होती जो हमें नहीं समझ में आती हैं। सर दूसरे के सामने अगर हम पूछने लगे, अरे अभी तक इनको ये भी नहीं आया, MSc कर ली, BSc कर ली, लेकिन आपसे पूछने में सर झिझक कभी नहीं लगी सर। और आपके सानिध्य, आशीर्वाद से और आपके इस प्रयाग में आने से सर हम लोग धन्य हो गए। इस पावन धरती, इस गंगा के और संगम के तट पे सर आना सर बहुत बड़ी बात है, ये दिव्य स्थान है सर, हम तो इसको मानते हैं। और आप आए और अपने गुरु का आशीर्वाद पाके सर, और भविष्य में सर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में होने के बाद सर कानपुर में भी हम आपका दर्शन प्राप्त करेंगे। और सर ऐसे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा सर, कभी हम लोग का साथ मत छोड़िएगा, इतनी ही आपसे आशा, उम्मीद और प्रार्थना है सर। धन्यवाद सर। हाँ तो सपना जी को जो है, अब मैं क्या कहूँ, बच्चे हैं और बार बार कह, और मैं कहता भी हूँ, मैं क्या कहूँ इस चीज़ के लिए कि बच्चे कहते हैं इतना सरल स्वभाव है, तो सरल क्या, जन्म से ही माँ ने मुझे ऐसा पैदा किया, तो मैं कठोर कहाँ से बन जाऊँगा। तो ये तो जो पुण्य माँ का आशीर्वाद रहा है, और जिन्होंने
मैं उनके बारे में अब अगर कुछ भी कहूँगा तो शायद बहुत छोटी बात होगी। मेरी माता जी जो इस वर्ष अभी नहीं रही हैं, लेकिन वो अद्भुत और चमत्कारिक माँ रहीं हमारे परिवार में। जब वो बहू थी अपने घर में तब माँ हुई, तब और दादी बनी, तब नानी बनी, तब सारी चीज़ें, पर नानी बनी तब सब कुछ हम कह सकते हैं कि वो अद्भुत थी। और आज उनके बारे में भी कह ही देता हूँ दो शब्द कि जहाँ हम लोग रहते हैं ना, अब कहते हैं लोग गांव में होते तो कहते हैं 50 किलोमीटर दूर, लेकिन शहर के अंदर भी कह दूंगा तो जितने मोहल्ले हैं जो जानते हैं ना उन माँ को, तो उस जब दरवाजे से निकलते थे ना तो बिना प्रणाम किए उनको जाते नहीं थे। ये उनका था, गेट हमेशा खुला रहता था, ऐसे बैठी रहती थी, जाना ही नहीं, मतलब बहुत बड़ी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ इस पुण्य धरती पर कि जहाँ भी रहें वो आत्मा को शांति मिले। लेकिन सच में बताऊँ, मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे साथ ही हैं और गई नहीं हैं। हाँ नहीं नहीं, मैंने तो माना ही नहीं कि वो रही हैं, वो हमेशा रहती हैं साथ में। चलिए ठीक है, सफ़र तो चल ही रहा है, तो आगे अब भाई अपना भी, हाँ तो अपना भी जो है सफ़र बताइए कि किस प्रकार से ज्ञानेश बैरिज क्लासेस में आप जुड़े और कैसा लग रहा है, मैं पूछूंगा तो जरूरी ही। तो रविंद्र बोलो। जी सर प्रणाम। सर हम सर YouTube पे देखे सर के समझाने का तरीका बहुत बेहतर था ना, क्योंकि हम पढ़े भी थे एक बार ना, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हर कंटेक्स्ट को बहुत क्लियर कर रहे थे सर, और यही बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो भी क्लियरेशन था एकदम एग्जैक्ट था। सो इसलिए माँ गंगा कृपा से आज गुरुजी से मुलाकात भी हो गई और इसलिए बहुत अच्छा लगा। सो हम जुड़े और फिर उसमें मतलब सपना भी मिली ना, वो भी बताई। सो मतलब हर कंटेक्स्ट एज बेटर था हर मतलब टॉपिक का ना, तो इसलिए लगाव बढ़ा और हम जुड़े भी और उसका हमें फ़ायदा भी मिला सर, मतलब तैयार भी हुआ। हाँ कुछ कमियां रह गई जो मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, और GLC मेंस दे रहे हैं ना, ईश्वर चाहे तो हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, हो जाएगा। हाँ माँ गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे सदा, यही हम आशा करेंगे ना। ठीक सर, ठीक बेटा। तो बच्चों ये मानकर चलिए कि ये तो बातें हो ही नहीं हैं, मानकर चलो कि प्रयागराज में आए हैं तो चर्चा है ही है। लेकिन जहाँ तक सब्जेक्ट और TGT PGT बायोलॉजी में जो कंटेंट का सवाल है, तो ये मानकर चलिए कि अगर मुझे कोई नीट के बारे में पूछे तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ रेडी है। अभी मैं TGT PGT के लिए जो चीज़ तैयार कर रहा हूँ ना आपके लिए, वो अल्टीमेट है। इस दूसरे सेशन में दोबारा जब भी पेपर होगा तो 125 क्वेश्चन बाई 125 क्वेश्चन ही होंगे आपके आंसर में, कोई भी एक क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं। क्यों, पहले सेशन में जो मैंने देखा, मैं अनुसार तो देखता था, शिल्पी अनुसार देखता, मैंने कहा ये तो पेपर का पैटर्न जो भी है लेकिन बहुत अच्छा है नहीं, बार पैटर्न चेंज भी हुआ, अच्छा पैटर्न थोड़ा सा बदला है। लेकिन एक बात और बताएं आपको, जब आप बार बार क्वेश्चन देखते हो ना तो अपना सा लगने लगता है, तो आपको लगना लगता अरे ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन हकीकत बताएं, आप जब भी पेपर दोगे तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन बाहर ही नजर आते हैं। आप मिलाइए ना, जब आप मिलाएंगे तो क्या एनिमल क्लासिफिकेशन के जो अब तक 200 क्वेश्चन आए हैं तो 200 क्वेश्चन है मान लिया, अगर रिपीट हो रहे हैं तो वही सब रिपीट क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब हर बार क्वेश्चन नए आते हैं, आपको लगता नहीं आते हैं। आप वही शिल्पी और यूथ का अनुसार पढ़ लेते हो, लगता बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं, हर बार क्वेश्चन नए आते हैं। और जब वो चार बार आप पढ़ लेते लगता है ये अपने जैसा है, तो आपको बड़ा सरल लगता है। ऐसा सरल कतई नहीं है, सब्जेक्ट सरल नहीं है, सिलेक्शन आसान नहीं है, आपको थारोली पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने RL कोटपाल और वशिष्ठ की जो सीरीज है, कम से कम लोअर प्लांट और लोअर एनिमल्स में क्लासिफिकेशन मैंने उसको लगाया, और RL कोटपाल की एक लाइन हम आपको बता रहे हैं, आप अच्छा सा उसको पढ़ते रहिए, वैसे लिखते रहिए। तो मैंने कहा ना कि जो सेकेंड सेशन में मैं आपको आज लेने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो अल्टीमेट होने वाला है। जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, अभी तो क्लासेस चल रही हैं, इसको मैं समराइज़ करूँगा तो पूरी लिस्ट जो मेरे क्या नाम अभी तक मैं पढ़ाई, जब रिवीजन चलेगा
फास्ट रिवीजन चलेगा, वन शॉट रिवीजन चलेगा, तो आप देखिए जो 4 दिन की क्लास है या 10 दिन की क्लास है, 6 दिन की क्लास है, 1 दिन में होगी तो सब चीज़ें वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो बस बच्चों ठीक है। एक चीज़ हम आपसे हाँ बताएँ सर, ये पावन धरती है, पावन स्थान है, दिव्य स्थान है, सब कुछ है सर। और सर हम आपको कुछ दे नहीं सकते, आपसे बस ले सकते हैं एक आपका आशीर्वाद और प्रेम सहयोग बना रहे सर। उसी के उपलक्ष्य में दो लाइन बोलना चाहते हैं सर, दो लाइन बोलना चाहते हैं हम कि गंगा के इस पुनीत तट पर, गंगा के इस पुनीत तट पर सर क्या दूं मैं आपको उपहार, क्या दूं मैं सर आपको उपहार, आपको मुबारक, जग की खुशियां आपके जीवन में रहे सदाबहार। धन्यवाद सर। और सर आप दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र हो सर, और हम लोग को हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे, हम लोग का साथ कभी ना छोड़िएगा सर। कभी कोई गलती हो या बच्चा समझ के माफ़ करिएगा, लेकिन साथ मत छोड़िएगा सर, हर कदम पे अपना साथ दीजिएगा और आप बहुत 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 आगे जाएं और दीर्घायु हो सर। धन्यवाद सर। तो ये तो होगा ही होगा, चलता ही रहेगा, बिल्कुल। क्लास तो बंद नहीं होने, उन्होंने बताया ना कि होने के बंद होने वाली ही नहीं है ये क्लास, इस क्लास को तो नहीं, इसमें आपका तो फायदा है। जिसे कहते हैं ना, आदमी चाहता है कि मैं बहुत दूर तक फैलूं, तो मेरा फैलाव कानपुर में अकेले थोड़ी हो रहा है। अब प्रदेश के बैठ के लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, बहुत बड़ी चीज जा रही है। और आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है सर। पैसा तो इंसान आता जाता रहता है, लेकिन आप कहाँ मिलेंगे सर? आपसे मिलना जरूरी है, आपसे पढ़ना जरूरी है। हम लोग तो हमने भी थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ रखा था कि मैं जा रहा हूँ तो है ना, तो रविंद्र तो भाई और खुश रहो बेटा। अच्छा शादी होगी तुम्हारी? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ठीक, तब तुम अकेले सही हो। सर बस आशीर्वाद। ये हमारी दोनों बेटियों के लिए है। हाँ ये हाँ, थैंक यू सर। हमने कहा ट्विंस हैं, नाराज हो जाएंगी। इसलिए मैंने पहले से ही से कहा था कि जो है सपना आएंगे उनको इस तरह से। कितना फायदा होता है बेटियां होने पे, दो मिलते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है। नहीं नहीं सब बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, बस बस ठीक, ओके ओके।